दोस्तों, अगर आप अक्सर फ़्लाइट का सफ़र करते हैं या आने वाले दिनों में आप फ़्लाइट का सफ़र करने वाले हैं तो टिकट बुकिंग से रिलेटेड इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका टाइम वेस्ट ना करके आपको एक अच्छी जानकारी दी जाए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये किसी भी तरह की प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैं किसी भी वेबसाइट को या किसी भी एजेंट को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। कुछ दिन पहले दोस्तों, मुझे एक फ़्लाइट की टिकट बुक करनी थी और मेरा जो बजट था वो कम होने की वजह से मैं काफ़ी परेशान रहा। मैंने बहुत सारी वेबसाइट पर जा कर के चेक किया, बहुत सारी वेबसाइट पे विजिट करने के बाद और जो प्राइस दिखा रहा था उन प्राइस को कंपेयर करने के बाद मुझे एक ऐसी वेबसाइट पता चली जहाँ पे मैंने देखा कि बाकी सब जगहों से वहाँ पे जो फ़्लाइट की टिकट है वो काफ़ी सस्ती मिल रही है और सस्ती के साथ साथ वहाँ पे विदाउट कन्वीनियंस फ़ीस के साथ टिकट मिलती है। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, कुछ वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ पर जा करके हम किसी एक डेट में किसी एक जगह की फ़्लाइट जो है वो चेक करेंगे और सबसे पहले देखते हैं कि किस वेबसाइट पे कितना प्राइस है और किस फ़्लाइट का क्या रेट चल रहा है। उसके बाद जो है मैं कंपेयर भी करूँगा और आपको लाइव दिखाऊँगा कि आपको सबसे सस्ता टिकट कहाँ से कैसे मिल सकता है। तो अभी मैं यहाँ पर दो वेबसाइट खोलने वाला हूँ जो कि काफ़ी फेमस वेबसाइट है, मेक माई ट्रिप और goibibo.com है और इधर मेक माई ट्रिप है। तो चलिए यहाँ पे कोई फ़्लाइट किसी डेट की सर्च करते हैं और देखते हैं क्या प्राइस शो करता है। सबसे पहले मेक माई ट्रिप में चलते हैं और यहाँ हम फ़्लाइट ले लेते हैं, पटना से दिल्ली की ले लेते हैं, पटना टू दिल्ली, एक पैसेंजर का ले लेते हैं। 3 फरवरी में हमने ये सिलेक्ट किया है। उसके बाद गो आई बीबो में चलते हैं और यहाँ से भी सेम ले लेते हैं, पटना से दिल्ली सेम डेट में ले लेंगे, 3 फरवरी, डन करेंगे इसको। उसके बाद इसको भी सर्च करेंगे। तो देखिए, दो वेबसाइट मैंने यहाँ खोल दी है, मेक माई ट्रिप और गो आई बीबो। अब यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहली फ़्लाइट दिखा रही है यहाँ पे चीपेस्ट, तो सबसे सस्ता टिकट जो अभी दिखा रहा है पटना से दिल्ली का 3 तारीख में, वो 4,607 रुपये है। ये मेक माई ट्रिप में है। और यहाँ पे आप देखेंगे बाकी सारी टिकट इससे महंगी दिखाई देगी। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको महंगी टिकट मिलेगी। अब हम सेम फ़्लाइट को देखेंगे गो आई बीबो में, सेम फ़्लाइट को जो कि 1055 पे है, देखेंगे कि इसका जो प्राइस है वो क्या है। गो आई बीबो में आते हैं और यहाँ पे 1055 की देखिए ये फ़्लाइट है, सेम फ़्लाइट है और सेम प्राइस दे रहे हैं, 4,607 रुपये। तो यहाँ पे दो फ़्लाइट मैंने दिखाई आपको, दो वेबसाइट पे एक ही फ़्लाइट दिखाई, सेम प्राइस है, कोई भी फ़र्क नहीं है। आप चाहे तो मेक माई ट्रिप पे करें या गो आई बीबो पे करें। और अगर मैं दूसरी भी फ़्लाइट देखूँगा तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, हो सकता है 100-200 रुपये का जो है डिफरेंस हो, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। अब दोस्तों, क्योंकि हमने जो फ़्लाइट चेक की वो इंडिगो एयरलाइंस की थी, तो अब हम इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट पे चलते हैं, इंडिगो पे जा करके, और हम वहाँ पे भी सर्च करते हैं पटना से दिल्ली और देखते हैं कि वहाँ पे प्राइस क्या दिखाता है, कौन सी फ़्लाइट दिखाता है। आप जो भी फ़्लाइट सेलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंडिगो हो या कोई और हो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके आप जो है रेट को चेक कर सकते हैं कि वो कितने में दे रहे हैं उस टिकट को। चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ पटना टू दिल्ली, डेट भी हम वही सिलेक्ट कर लेते हैं, 3rd of February। उसके बाद सर्च करते हैं, यहाँ पे भी मैं सर्च कर लेता हूँ। तो सर्च करने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइस दिखा रहा है। इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, और यहाँ पे भी देखिए सेम प्राइस है, यानी कि हम तीन जगह चेक कर रहे हैं। ये इत्तेफाक की बात है दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होता है, हर दिन इसमें कुछ ना कुछ प्राइस जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो आज ये ऐसा इत्तेफाक हो रहा है कि तीनों ही वेबसाइट पे सेम प्राइस दिखा रहा है, बट कभी ना अगर आप वैसे देखेंगे तो 100-200 रुपये का फ़र्क मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारा सबसे मिनिमम जो टिकट है, जो मिनिमम रेट है, वो 4,607 रुपये ही है। मैं कहीं से भी टिकट बनाऊँ मुझे 4,607 रुपये देने पड़ेंगे अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैंने हर वेबसाइट पे आपको चेक करा दिया, सब जगह एक ही रेट है। अब मैं दोस्तों आपको उस वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे जाकर के मैंने टिकट बनाया था, और उस दिन भी ऐसे ही हो रहा था कि लगभग सब जगह एक ही रेट चल रहा था, लेकिन उस वेबसाइट पे मुझे पूरे 1800 रुपये का डिस्काउंट मिला था, मुझे 1800 रुपये मेरे बच गए थे टिकट में, और सेम जगह थी
और मैं मुझे जो है 1800 रुपये का डिस्काउंट मिला था, उसी वेबसाइट के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप वहाँ जा करके अपनी टिकट जो है आसानी से बना सकते हैं। और बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है और आप उस वेबसाइट पे पूरा विश्वास कर सकते हैं। मैंने उन लोगों से कॉल करके बात किया था कस्टमर केयर पर, और मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये भी रहा कि मैंने जब उन लोगों से बात किया था तो इस वेबसाइट पर जो रेट मिलता है फ़्लाइट का, उसमें आप कॉल करके बार्गेनिंग कर सकते हैं। मतलब आप उनसे बार्गेनिंग करेंगे तो वो रेट जो है एजेंट के थ्रू और कम हो जाता है और आपको डिस्काउंट मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी। उस प्रोसीजर के बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से आप उनको कॉन्टैक्ट करके जो रेट यहाँ दिया हुआ है उसमें बार्गेनिंग करके उसमें भी आप कुछ पैसे कम करवा सकते हैं। तो ये वेबसाइट सामने देख रहे हैं दोस्तों, इसका नाम है skywing.in। तो इस वेबसाइट पे दोस्तों आपको आना है, और यहाँ पे जो मैं फ़्लाइट की जब टिकट सर्च कर रहा था तो सर्च करते करते मैं इसी वेबसाइट पे पहुँचा था, और यहाँ पे आने के बाद जो मैंने फ़्लाइट सर्च की थी अपने जगह की अपनी डेट में, तो मुझे जो एक्सपीरियंस मिला था मतलब वो एकदम हैरान कर देने वाला था। बाकी सब जगह से यहाँ पे जो है टिकट सस्ती थी, और अच्छी बात यह है कि ये लोग जो है हॉलीडे प्लान टूर भी देते हैं, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इस वेबसाइट पे आया था तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने बताया कि मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया था, कॉल करके बात किया था और उसके बाद मैंने टिकट्स पे बनाई थी। तो अभी दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, अभी हम सेम यहाँ पर पटना से दिल्ली की फ़्लाइट सर्च करेंगे 3 फरवरी में, जो कि हम पीछे कर रहे थे, ताकि जो है हमें पता चले कि यहाँ पर टिकट कितने की अवेलेबल है। चलिए दोस्तों टिकट सर्च करते हैं। तो जैसा कि पहले हमने सर्च किया था, पटना से दिल्ली की फ़्लाइट सर्च करते हैं, पटना टू दिल्ली 3 फरवरी में हमने सर्च किया था, तो यहाँ पे कर लेते हैं डेट 3 तारीख सर्च करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3206 ये सबसे कम टिकट मिल रहा है, यानी कि पटना से दिल्ली की जो फ़्लाइट है वो 3206 में आपको एक टिकट मिल रहा है। इंडिगो की ही फ़्लाइट है ये भी, जो पहले हमने फ़्लाइट देखी थी वो भी इंडिगो की थी, हालांकि टाइमिंग अलग है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जिस फ़्लाइट का मैंने टिकट बुक किया था वो सेम फ़्लाइट थी और उसमें भी मुझे 1800 रुपये का डिस्काउंट मिला था। यहाँ पर आप देख लीजिए 3206 रुपये में आपको टिकट मिल रही है पटना से दिल्ली की जाके, जबकि अभी मैंने लाइव आपके सामने 3-4 जगहों पर चेक किया है और वहाँ पर 4607 रुपये की टिकट मिल रही थी, और यहाँ पे 3206 रुपये में टिकट मिल रही है पटना से दिल्ली की। इस तरह से अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी और दूसरी फ़्लाइट को भी कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे सस्ता टिकट मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं सेम फ़्लाइट को फ़्लाइट नंबर के हिसाब से सेम फ़्लाइट को देख लेते हैं कि जो 1055 पे फ़्लाइट थी इंडिगो की उसका टिकट यहाँ पर कितने का मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4568 रुपये है, यानी कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वहाँ पे 4607 रुपये था इसी फ़्लाइट सेम फ़्लाइट जो कि 1055 पे थी इंडिगो की। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको अगर सबसे कम रेट वाली फ़्लाइट चाहेंगे तो वो जो है आपको यहाँ पे 4607 रुपये है, और जो वेबसाइट मैं बता रहा हूँ skywing.in वहाँ पर मात्र 3206 रुपये में आपको पटना से दिल्ली की टिकट मिल रही है, जो कि बाकी जगहों पे फ़्लाइट काफ़ी सस्ती है। और आप दोस्तों कभी भी एयर टिकट बनाते हैं तो ज़रूर इस वेबसाइट को चेक करें, एक बार जा करके वहाँ का भी रेट देखें कि वहाँ पे जो है रेट वो क्या है रेट है, और मैं आपको 95% गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे बाकी सब जगहों से जो टिकट है वो सस्ती मिलेगी। और सबसे अच्छी बात जो कि मैंने पहले बताई थी कि ये वेबसाइट पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर आप जा करके इनसे बात कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए भी बहुत सारी डिटेल नहीं डालनी होती दोस्तों, बस आपको यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपको OTP आएगा, OTP आने के बाद आपको बस अपना नाम और ईमेल आईडी डाल करके इस पर रजिस्टर हो जाना है, बस इतना सा काम करना है और आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएंगे। और अब दोस्तों सबसे काम की चीज़ समझिएगा अच्छे से, यहाँ ऊपर ऑप्शन है नो अस, इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिलता है, जब आप कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे यहाँ पे जो है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलती है। तो मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट जो है काफ़ी ऑथेंटिक है,
जब भी दोस्तों आपको एयर टिकट करनी हो तो एक बार ज़रूर इस वेबसाइट को ट्राई करें, और यहाँ पे आप जा करके इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करेंगे तो आपको जो रेट फ़्लाइट का यहाँ दिखाया जा रहा होगा उसमें आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, और 90% चांस ये होता है कि जब आप इन नंबरों पे बात करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, तो वहाँ पर भी जो रेट होगा उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस तरह से सबसे सस्ती टिकट जो है वो आपको इसी वेबसाइट से मिल सकती है। तो दोस्तों फ़्लाइट की टिकट को लेकर के ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप भी ज़रूर इस वेबसाइट को एक बार ट्राई करें, यहाँ पे आपको सबसे सस्ती फ़्लाइट की टिकट मिल जाती है।